सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अंधेरी गेमिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कालाहारी में कुछ हिडन प्लेस के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होगा बिकॉज आजकल रैंक में कालाहारी मैप आ चुका है। जैसे आपको पता है, बहुत दिन से आया हुआ है तो कई लोग बंदों को कालाहारी में सर्वाइव करने में दिक्कत होता है। तो आज उनके लिए मैं एक ऐसा जगह लेके आया हूँ जिसमें आप आराम से अपना रैंक बहुत प्लस करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कालाहारी में पहले दो जगह तो मैं आपको रिफाइनरी में बताऊंगा और एक जगह मैं आपको बताऊंगा डी सब में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम मैच की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पोजिशन है वो है रिफाइनरी की तरफ, आपको इसको यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस जगह में मैं पॉइंट कर रहा हूँ आपको सेम उसी जगह में पॉइंट करके आपको बस आ जाना है, कुछ नहीं। और अगर फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे आप गन लेके आए और साथ में अगर आपके पास साइलेंसर हो तो आपका रैंक प्लस करने से आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। आपको कोई यहाँ पे किसी कोई बंदा दे आप किसी को मारेंगे तो वो बंदा चौंक जाएगा कि कहाँ से मारा भाई इसने मेरे को। फ्रेंड्स, अगर आपके पास यहाँ पे साइलेंसर हो तो आप बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि कौन मार रहा है मेरे को, तो वो आप उसको इजीली मार भी सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपका रैंक बहुत प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्लेस में चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लेस जो है वो हमारा डी सब के वहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे बहुत बंदे अगर अचानक से यहाँ पे आए और आप अगर उतरें तो आपको छुपने के लिए एक जगह चाहिए होगी, तो वो जगह यही है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे बस आइए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे आकर फ्रेंड्स बैठ जाइए। आपको कोई बंदा यहाँ पे ढूंढ नहीं पाया, कोई सोचेगा भी नहीं कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये जगह अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख के बताएं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको एक नंबर अच्छी लगी, दो नंबर अच्छी लगी, या फिर तीन नंबर जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ। तो फ्रेंड्स, जो तीसरी जगह है वो भी हमारी रिफाइनरी की जगह तरफ ही है। बिकॉज फ्रेंड्स, आपको पता है कि रिफाइनरी में बहुत बंदे उतरते हैं, जैसे हमारा क्या बोलते हैं परगेटी में ब्रासिला था, और ऐसे ही कालाहारी में अभी ये है रिफाइनरी। बहुत बंदे यहाँ पे उतरते हैं, आपका रैंक बहुत माइनस हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो ये पत्थर दिख रहे हैं ना, आपको बस यहाँ पे एक जगह है, बस वहाँ पे आपको कोई देख नहीं पाएगा। मस्त जगह है, मैंने एक बार ट्राई किया है, मेरे को जब बंदे मेरे पास कोई गन नहीं था तो मैंने वहाँ पे बहुत देर तक सर्वाइव किया था। तो आपको क्या करना है, आपको पत्थर के सारे ऊपर आते जाने फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर आप अगर आप ऊपर में तो आप डायरेक्ट उसी जगह में जा सकते हैं, बट मैं थोड़ा नीचे में थे इसलिए मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस जगह में आ गए ना, आपको यहाँ पे बस आके आपको यहाँ पे प्रोन हो जाना है, आपको यहाँ पे आके लेट जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो खाली जगह है आपको वहाँ पे जाके एकदम बैठे रहना है। ठीक है, और यहाँ पे किसी का भी नज़र फ्रेंड्स यहाँ पे जल्दी आता नहीं है फ्रेंड्स। मैं एक मैच खेल रहा था रैंक, मेरे पास कोई गन नहीं था, जो बहुत सारे बंदे आए तो मैंने बहुत देर तक इसमें सर्वाइव किया था, मेरा बहुत मतलब कि रैंक बहुत प्लस हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था हमारी तीसरी जगह। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जो लाल बटन दिख रहा है उसमें जो फेंक के मारना है फेंक के मारो, और अगर आपको और भी हिडन प्लेस के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताओ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।